नमस्कार, आप सभी का आज के इस ऑनलाइन लेक्चर सेशन में स्वागत है। और धीरे धीरे और लोग जुड़ेंगे, कुछ सेकंड हम वेट कर लेते हैं। लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। आज की जो चर्चा है वो बेसिकली मेरे मन में ही ये विचार आया कि क्यों ना हम इस बात पे चर्चा करें कि सोशल मीडिया का यूज़ बेहतर तरीके से शिक्षा में, उच्च शिक्षा में कहें या शिक्षक शिक्षा में किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर चर्चा हो। अमित कुमार जी जुड़ गए हैं, अभिषेक कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, हिमांशी सक्सेना जी, अक्की एस रिसर्च स्कॉलर रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड से, प्रियंका जायसवाल आपका भी स्वागत है, हिमानी सक्सेना आप सबका स्वागत है। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा और ये मेरा लेक्चर बेसिकली जो सोशल मीडिया को लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो जो बिगिनर्स हैं और दूसरे जो एडवांस यूजर्स हैं। तो बिगिनर्स के लिए मेरा फोकस ज़्यादा है और जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको लगेगा कि चीज़ें बहुत आसान हैं, आसान सी चीज़ें बताई जा रही हैं। और जो लोग इस सत्र से जुड़ गए हैं, इस ऑनलाइन ऑनलाइन व्याख्यान को सुन रहे हैं, तो इतना तो तय है कि वो फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं। एक विद्यार्थी के तौर पर इस व्याख्यान को सुनने के रूप में अश्विनी जायसवाल जी जुड़ गए हैं, धनंजय, काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया आपके लिए नया नहीं है, इसको आप सभी उपयोग में ला रहे हैं। आज के चर्चा सत्र में हम यह देखेंगे कि सोशल मीडिया का शिक्षा में उपयोग क्यों किया जाए, फेसबुक का शिक्षा में बेहतर तरीके से उपयोग कैसे किया जाए, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इन सब में क्या अंतर है और किस प्रकार इसका उपयोग हम शिक्षा में कर सकते हैं, ये भी हम आज बात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप का भी जिक्र आता है, व्हाट्सएप का उपयोग शिक्षा में हम कैसे करें बेहतर तरीके से, हम सभी लोग उपयोग तो कर ही रहे हैं, इस पर बात हम आज करना चाहेंगे। शुरुआत हम करते हैं सोशल मीडिया के प्रति जो एटीट्यूड है लोगों का वहां से। जनरली सोशल मीडिया टूल्स की या सोशल मीडिया वेबसाइट्स की या सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की बात आती है तो आम धारणा यह है कि यह मनोरंजन का एक साधन है, अधिकांश लोग इसको मनोरंजन के तौर पर उपयोग में ला रहे हैं, इंटरटेनमेंट के पर्पस से इसका बहुत यूज हो रहा है। बहुत से लोग इसको यूज करते हैं न्यूज, करंट न्यूज, ताजा समाचार आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं इसके टूल्स की, इसकी फैसिलिटीज की, सुविधाएं जो प्रदान कर रहा है फेसबुक उसकी जानकारी लोगों को नहीं है और इस कारण से लोगों में इसके प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण बनने की संभावना अधिक रहती है कि सोशल मीडिया का उपयोग शिक्षा में कैसे होगा, उसमें तो वीडियोस हैं, वीडियोस की शेयरिंग ज्यादा है, इंटरटेनमेंट होता है। तो इस नाते ये बात दिमाग में सबसे पहले आती है। सोशल मीडिया क्या है इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा मैं, आप सभी जानते हैं कि ये लोगों के बीच इंटरेक्शन का, कम्युनिकेशन का
एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कोलैबोरेटिवली कोलैबोरेशन में काम करता है और उस हिसाब से लोगों को फैसिलिटेट करता है कि वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उस पर कमेंट करें और डिस्कस करें। ये सारी सुविधाएं इसमें प्राप्त होती हैं। लोगों के बीच एक नेटवर्क बनता है। सोशल मीडिया का यूज क्यों किया जाए, क्या ये इतना जरूरी है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि हमारे अधिकांश विद्यार्थी, मैं उच्च शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के विशेष संदर्भ में कह रहा हूं, वो सारे के सारे कोई ना कोई सोशल मीडिया का जो टूल है या ऐप है यूज कर रहे हैं। और फेसबुक यूजर्स की संख्या बहुत है, यूट्यूब पर वीडियो देखने वालों की संख्या बहुत है, व्हाट्सएप भी लगभग हर उस व्यक्ति के पास है जिसके पास स्मार्टफोन है। तो निश्चित रूप से जब हमारे विद्यार्थी उसका उपयोग कर रहे हैं, भले ही किसी और उद्देश्य से कर रहे हैं, पर्पज डिफरेंट है, तो क्यों ना हम उसके माध्यम से शिक्षा का कार्य भी करें। और इस कोरोना संकट काल में इस संकट ने हम सबको मजबूर कर दिया कि हम ऐसे अल्टरनेटिव मोड्स, अल्टरनेटिव चीज़ों के बारे में सोचें जिससे आसानी से हम लोगों तक पहुंच सकें। लोग संस्थाओं में भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, फेस टू फेस मोड में बात नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में हम जो दूसरे विकल्प हैं डिस्टेंस एजुकेशन के, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के, कनेक्टिविटी के, उनको उपयोग में लाएं। तब ये बात हमारे सामने आई, फेसबुक। फेसबुक पिछले एक दशक से अधिक समय से हमारे बीच है, हम सब उसमें जुड़े हुए हैं। इसको उपयोग में लाना आसान है, बहुत अधिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। चाहे आप टीचर हो या चाहे स्टूडेंट हो, दोनों ही लोग इसको आसानी से उपयोग में ला सकते हैं अपने अपने उद्देश्य के अनुरूप। तो काफी यूजर फ्रेंडली है, इसको ऐसा बनाया गया है। इसकी लोकप्रियता के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है। और अगर आप देखें तो ये उच्च शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण टूल हो सकता है और इस समय कार्य भी कर रहा है, क्योंकि उच्च शिक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उन सबका मानसिक स्तर और उनका जो मैच्योरिटी लेवल है काफ़ी अधिक होता है। वो आसानी से चीज़ों को इस पर कर पाते हैं और इसमें लर्निंग कम्युनिटीज़ को बनाना आसान है, इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना आसान है, लर्निंग ग्रुप्स को बनाना आसान है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग की जो थियोरीज हैं उनको उपयोग में लाना आसान है। और ऑडियो विजुअल जो कंटेंट है, ई कंटेंट के जो ऑडियो फाइल्स हैं, ऑडियो विजुअल फाइल्स हैं, और भी जो डिफरेंट पीपीटी पीडीएफ फाइल्स को विद्यार्थियों तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। आइए सबसे पहले हम बात करें फेसबुक की। फेसबुक का उपयोग हम कैसे करें? फेसबुक पे आप सभी का अकाउंट है जो लोग जुड़े हुए हैं, और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, देख रहे होंगे बाद में, उनके लिए फेसबुक के बारे में कोई कठिन जानकारी नहीं है। हर सोशल मीडिया एप्लीकेशन का या वेबसाइट का लगभग एक ही जैसा प्रारूप रहता है। आपका नाम, आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से आपसे वो अकाउंट बनाने के लिए कहता है। और आजकल एक कूट शब्द जिसे कैप्चा के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको जैसे ही हम फिल करते हैं तो ये फेसबुक दिखाता है कि कितने आपके मित्र इस फेसबुक पर हैं, उनको आप जोड़िए अपनी फ्रेंड लिस्ट में। आप जैसे ही जोड़ते हैं तो आपका एक अकाउंट इस पर क्रिएट हो जाता है, आपके नाम से फेसबुक पर एक अकाउंट बन जाता है। और फेसबुक आपको सजेस्ट करता है कि वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के माध्यम से जो आपका डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उसी से आपके सामने भेजता है कि आप ये मित्र आपके हो सकते हैं, आप इनको देखिए, आप इनको देखिए। तो आप आसानी से उसमें पहचान जाते हैं कि हाँ ये लोग हैं। ये सब आप लोग कर रहे हैं, इसमें बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। इसमें जो चीज़ हम ध्यान नहीं देते हैं, हमने अकाउंट बनाया और हमने फेसबुक द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की गई सामग्री को खोल खोल के देखना शुरू किया। अब इससे करता क्या है फेसबुक कि हमारे इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है।
हमारे इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, वो देखता है कि इस यूजर का इंटरेस्ट क्या है, इसकी लाइकिंग्स क्या हैं, और उस हिसाब से आपको वो उस कैटेगरी में डालता है, और उस हिसाब से आपके सामने जो कंटेंट प्रेजेंट करेगा उसको तय करता है। अगर आपने स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स से रिलेटेड पोस्ट को, न्यूज़ को, वीडियोस को देखना शुरू किया तो आपके फेसबुक अकाउंट पर वो प्रॉम्प्ट करेगा उस तरह की जो भी न्यूज़ आएगी, वीडियोस आएंगे वो। अगर आपने एकेडमिक पोस्ट को आपने ज़्यादा खोलकर देखना शुरू किया, लाइक करना शुरू किया, कमेंट करना शुरू किया तो वैसा आएगा। बहुत सारी कंपनियों के विज्ञापन आते हैं, उस पर आपने जैसे ही अपना कोई रिस्पॉन्स दिया, लाइक करें, कमेंट करें या शेयर करें, तो फेसबुक उसी हिसाब से कैटेगरी में आपको बना करके पोस्ट भेजता है और आपके पास सूचनाएं आने लगती हैं। आपके दोस्तों द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज, पोस्ट, उसकी सूचना, साथ ही साथ फेसबुक भी अपने हिसाब से आपके सामने चीजों को रखता है। तो ये तो एक जनरल यूजर कर रहा है फेस, आप भी कर रहे होंगे। अगला जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, फेसबुक पर बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनसे आपको जुड़ना चाहिए। जैसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं आपके डिसिप्लिन के, आपके प्रोफेशन के, जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो सूचनाओं को फेसबुक पर साझा करते हैं, उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हो सकता है उनका फेसबुक पेज हो तो आप उनके पेज को सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और अपने पेज पर वो महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने विषय की डालते हैं, आपको आसानी से आपके अकाउंट में नोटिफिकेशंस आते हैं। हर आदमी को पता है कि हाँ फेसबुक में नोटिफिकेशंस कैसे आते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके फेसबुक अकाउंट्स हैं, हमारी NCERT, NCTE, UGC, बहुत सारी संस्थाएं हमारे देश की या वैश्विक स्तर पर जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उन सबके आधिकारिक फेसबुक अकाउंट हैं। तो हमें उन अकाउंट को खोज करके उनको फॉलो करना होगा। जैसे ही हम फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास सूचनाएं आने लगेंगी, हमारे अकाउंट के नोटिफिकेशंस में हमको ये पता लगेगा कि आज यूनेस्को ने कौन सा वीडियो डाला, आज यूनिसेफ ने कौन सा वीडियो डाला, NCERT ने कौन सा वीडियो डाला। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। अब आपको तय करना होगा कि आपको किन संस्थाओं का फेसबुक पेज फॉलो करना है, किन शिक्षकों से आपको जुड़ना है, आपके कौन कौन से सीनियर्स इस पर हैं जिनसे आप मदद मांग सकते हैं, उनसे आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ, एक सामान्य यूजर के तौर पर आप फेसबुक अकाउंट होल्डर हैं और आप आसानी से अच्छी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आती है, फेसबुक ग्रुप। जनरली हम फेसबुक को एक ही नजरिए से देखते हैं, अकाउंट आपका आधार है, फेसबुक आपको रजिस्टर्ड करता है आपका अकाउंट बना के, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे और टूल्स देता है जिसके आधार पे आप अपनी सुविधा, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में क्या है, जैसे मैं अपने ही ग्रुप की चर्चा करूं, मैंने आज से 9 साल पहले टीचर एजुकेटर्स नाम का ये फेसबुक ग्रुप बनाया था, जिस पर ये हमारा ऑनलाइन व्याख्यान आज आपके सामने पहुंच रहा है, और फेसबुक पेज पर भी ये अभी स्ट्रीम हो रहा है टीचर एजुकेशन इन इंडिया नाम से, जिसको अभी हमने लॉकडाउन के दौरान ही बनाया। फेसबुक पेज का जो टूल है ये फेसबुक ने अभी लेटेस्ट ही कुछ साल पहले दिया, ग्रुप पहले से है। तो इस ग्रुप को बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, शिक्षक प्रशिक्षक हों, वो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे आए। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन इतना मालूम था कि सारे लोग एक जगह आ सकते हैं, उनको रखा जाए और फिर उनके लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट ई कंटेंट है, उसको साझा किया जाए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मेरे पास आती थी अलग अलग चैनल से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, कॉन्फ्रेंसेस की इन्फॉर्मेशन, और एडमिशन का एडवर्टीजमेंट आता था, बीएड में एडमिशन का, एमएड में एडमिशन का, पीएचडी एजुकेशन में एडमिशन का, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कब है, लास्ट डेट क्या है।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह मैं प्रोवाइड कर रहा था जिससे कि आसानी से सबके पास तक पहुंच जाए। ग्रुप में सदस्य होने का ये फायदा रहता है कि ऑटोमेटिकली सदस्यों के पास वो सूचना पहुंच जाती है जो ग्रुप में ग्रुप एडमिन या कोई भी मेंबर पोस्ट करता है। तो अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले विद्यार्थी के रूप में आप ये सोचें कि मुझे कौन से ग्रुप से जुड़ना चाहिए, कौन से फेसबुक ग्रुप ऐसे हैं जो एकेडमिकली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत क्वालिटी कंटेंट उससे मिल सकता है, हमें पता नहीं होता है। बहुत से ग्रुप्स ऐसे काम कर रहे होंगे नेशनली इंटरनेशनली अपने देश में बाहर भी जिनकी जानकारी हमको नहीं है। तो फेसबुक में आपको सर्च करने का ऑप्शन आता है, फेसबुक अकाउंट आप खोलिए, ऊपर सर्च का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप टाइप करिए जिस सब्जेक्ट का जो भी ग्रुप या आप खोजना चाहते हैं, वो की टर्म आप डालेंगे तो आपके नीचे बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे और सर्च बार के नीचे आपके पास कई ऑप्शंस दिखेंगे कि आप अकाउंट खोज रहे हैं, पेज खोज रहे हैं, ग्रुप खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। तो उसको आप अगर फिल्टर कर देंगे ग्रुप तो केवल ग्रुप दिखाई देंगे। ऐसा करने पे क्या होगा कि आपको जैसे आप खोजना चाहते हैं टीचर एजुकेटर्स, टीचर एजुकेशन नाम से कितने ग्रुप काम कर रहे हैं, ये आपने डाला और आपने उसमें नीचे फिल्टर में लगा दिया केवल ग्रुप, तो आपके नीचे ग्रुप जो उस नाम से फेसबुक पर अवेलेबल होंगे उन बड़े बड़े समूहों की सूचना आ जाएगी। अब आप उसमें जुड़ने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो एक विद्यार्थी होने के नाते आपको ये करना होगा और फिर ग्रुप में रह करके, बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जिनमें सदस्य संख्या बहुत है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, लाखों मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें कोई एकेडमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, केवल ऊट पटांग शेयरिंग, मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, ये सब शेयरिंग हो रही है। तो आप छोड़ भी सकते हैं उस ग्रुप में रह करके, ऐसा नहीं है कि आप उस ग्रुप में रहें ही, ये आपके ऊपर है। जो ग्रुप आपको अच्छे लगे उस ग्रुप में रहिए, सजेशंस दीजिए, ग्रुप एडमिन से बात करिए। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के दौरान, इस ग्रुप से जुड़ने के बाद उन्होंने मैसेंजर पे हमसे इंटरेक्शन किया, उन्होंने हमको मेल करके इंटरेक्शन किया, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे इंटरेक्शन किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने कोशिश की है कि इस मुहिम को और अच्छा कैसे किया जाए और इस मुहिम को आवश्यकता पर आधारित कैसे बनाया जाए। इस मामले में हमारे ग्रुप के सदस्यों ने, विशेषकर विद्यार्थियों ने बहुत मदद की। अब ग्रुप के कुछ ऑप्शंस के बारे में हम लोग जान लें। फेसबुक अकाउंट जब आप खोलते हैं अपने मोबाइल में या फिर आपके अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो उसका जो यूजर इंटरफेस है वो डिफरेंट होता है और अकाउंट खोलने के बाद उसी अकाउंट में आपको ये दिखता है या एक ऑप्शन दिखता है बाएं या दाएं कि आप कितने ग्रुप के सदस्य हैं। उन ग्रुप्स की लिस्ट आती है जिनमें आप सदस्य होंगे, उन सारे ग्रुप्स की लिस्ट एक साथ दी गई होगी। अगर आप किसी ग्रुप के सदस्य हैं, वहां से आप उस ग्रुप के अंदर जा सकते हैं। जैसे आपकी अकाउंट की प्रोफाइल में टीचर एजुकेटर्स नाम का ग्रुप होगा क्योंकि आप इसके सदस्य हैं, तो वहां क्लिक करने के बाद आप टीचर एजुकेटर्स ग्रुप के अंदर आ गए। अब उसका यूजर इंटरफेस अलग है, उसका जो एक यूजर इंटरफेस मतलब आपके सामने खुलने वाला जो पेज है, जो आउटलुक है, उसमें क्या दिया रहेगा। अगर उसमें कोई कवर पेज लगाया गया है तो वो दिया रहेगा, जैसे आपने आज इसको खोला होगा तो कवर पेज में बैनर लगा होगा और मेरे व्याख्यान की सूचना रही होगी। उसके ठीक नीचे ग्रुप का नाम है, ग्रुप के बारे में टाइटल होगा कि ये क्या है, ट्यूटर ऑब्लिक टीचर। उसके ठीक नीचे आपको एक स्ट्रिप पर ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उनको हम बटन के नाम से संबोधित कर सकते हैं। उन बटन्स के माध्यम से फेसबुक ने फेसबुक ग्रुप में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, टूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि अबाउट, अबाउट में आप क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप के बारे में पढ़ सकते हैं। उस ग्रुप को बनाने वाले ने, जिसे हम एडमिन कह सकते हैं, उस ग्रुप को बनाते समय जो उद्देश्य रखा होगा
उसको लिखा होगा वहां आसानी से आपको ये चीज मिल जाएगी। ग्रुप में, ग्रुप के उद्देश्य क्या है, ग्रुप में कौन कौन लोग सदस्य हैं, ग्रुप में क्या गतिविधियां होती हैं, इसकी सूचना ग्रुप क्रिएटर ने वहां पर दी होगी। अबाउट के ठीक बगल में आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्कस का। डिस्कस बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको ऑप्शन खुलता है व्हाट इज ऑन योर माइंड। ये आपके अकाउंट में भी खुलता है, फेसबुक अकाउंट में जब आप अपनी बात लिखते हैं अपने मित्रों के साथ साझा करने के लिए, कोई पोस्ट डालने के लिए, कोई फोटो डालने के लिए, कोई वीडियो डालने के लिए, वो अलग है, वो आपके अकाउंट में है, और ये ग्रुप के अंदर ग्रुप की वॉल पर आपको ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप कुछ उसमें लिखते हैं या कोई फोटो साझा करते हैं या फिर उसमें आप कोई वीडियो साझा करते हैं, आप जैसे ही डालेंगे, अब ये ग्रुप के एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है कि सदस्यों के कंटेंट को वो सीधे शेयर होने का विकल्प दे, सुविधा दे, या फिर वो उसमें फिल्टर लगा सकता है कि हम जब उसको अप्रूव करेंगे तभी ग्रुप में जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब बड़े ग्रुप होते हैं, बड़े ग्रुप में जो सदस्य होते हैं बहुत सारा कंटेंट शेयर करना चाहते हैं, ऐसे में फिर बहुत से कंटेंट की गुणवत्ता, बहुत से कंटेंट, बहुत सारी सामग्री की सार्थकता देखनी पड़ती है ग्रुप एडमिन्स को। तो उस नाते आप चाहें तो उसमें ये फिल्टर लगा सकते हैं, तो ये सुविधा आपको मिलती है। तो ग्रुप के सदस्य उस पर पोस्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बाकी लोग इसमें लिखते हैं। डिस्कस के अंतर्गत आप, मैंने बताया, टेक्स्ट, वीडियो, पिक्चर्स और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज, वो सब डाल सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है, जो बगल में बटन दिया रहता है यूनिट्स का, ये जो ग्रुप में ऑप्शन दिया है फेसबुक ने, इसमें आप कुछ भी टीचिंग कर सकते हैं, कुछ भी इसमें आप स्किल की ट्रेनिंग करा सकते हैं ग्रुप मेंबर्स के साथ। आप ऐसा कंटेंट डिजाइन करिए इस ऑप्शन के अंतर्गत जिसमें आपको लगता है कि पिक्चर डालना जरूरी है, ऑडियो विजुअल भी डालना जरूरी है, आप क्रिएट करके डाल दीजिए, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, कमेंट करेंगे, सीखेंगे, आप ये आराम से कर सकते हैं। ये यूनिट्स के अंतर्गत आप अपने पेपर की, जो पेपर आप एक टीचर होने के नाते पढ़ाते हैं, अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षक प्रशिक्षक हैं, उस टॉपिक पर आप यूनिट क्रिएट करके आप बच्चों के बीच इसको रख सकते हैं। इसके ठीक बगल में आपको एक और ऑप्शन मिलता है, अनाउंसमेंट्स बटन। इस बटन को जो दिया है फेसबुक ने, उसके अंतर्गत आप शिक्षक हैं या शिक्षक प्रशिक्षक हैं तो बहुत सारी सूचनाएं आपको अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करनी होती हैं। ये शुरुआत में मैं बताना भूल गया कि ग्रुप में आप सदस्यों को जोड़ेंगे कैसे। अकाउंट के साथ ही आपको ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन फेसबुक देता है, क्रिएट ग्रुप। क्रिएट ग्रुप में जब आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप का नाम पूछेगा, ग्रुप का नाम जैसे ही डिसाइड करेंगे तो वो ऑप्शन देगा इनवाइट मेंबर्स। इनवाइट मेंबर्स में अगर आपके विद्यार्थी फेसबुक पर हैं तो आप उनको वहां से सीधे इन्वाइट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप उस ग्रुप का लिंक कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके उस लिंक को विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं या विद्यार्थियों को आप ईमेल भी कर सकते हैं, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे विद्यार्थी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। सीधे ज्वाइन करने का ऑप्शन दे सकते हैं या फिर आप एडमिन होने के नाते फिल्टर लगा दीजिए जिससे ये खतरा नहीं रहेगा कि आपके ग्रुप में आपके विद्यार्थी ही ज्वाइन कर रहे हैं या कोई बाहरी व्यक्ति भी ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन करने का अप्रूवल जब आप देंगे तो वहां पर आप देख लेंगे कि ये किसकी प्रोफाइल है, या हाँ मेरा विद्यार्थी है, और उसको आप अप्रूव कर देंगे तो वो ग्रुप का सदस्य हो जाएगा, ये भी विकल्प आपके पास रहता है। तो ग्रुप पर जब कोई आप नोटिस डालते हैं कि हाँ ये क्लास इतने बजे से होगी, आप सभी इतने बजे उपस्थित हों, या कोई सर्कुलर है आपके डिपार्टमेंट का विद्यार्थियों के लिए, वो डाल सकते हैं। विद्यार्थियों के रिजल्ट को आप उस पर डिक्लेयर कर सकते हैं, जो आपके असाइनमेंट के रिजल्ट्स हैं, जो आपके टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, या कोई भी ऐसी सूचना जो आपको लगता है कि एक नोटिस के तौर पर विद्यार्थियों के उसके लिए आपको डालना है,
तो विद्यार्थी अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे, सीधे आप उनको देख उनको देखने को मिलेगा कि इस डेट में ये अनाउंसमेंट था, इस डेट में ये अनाउंसमेंट था, इस डेट में ये अनाउंसमेंट था। सिस्टमेटिकली उस पर अनाउंसमेंट दिए रहते हैं। जैसे मैं अपने इस ग्रुप में, टीचर एजुकेटर्स ग्रुप में, जो हमारे व्याख्यान होते हैं और भी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, अनाउंसमेंट सेक्शन में डालता हूं, शेयर करता हूं और आपसे कहता हूं कि आप बार बार इस अनाउंसमेंट सेक्शन को देखते रहिए, जिससे कि, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत सारी चीजें हैं। ग्रुप की वॉल पर आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक तो बहुत पुराना ग्रुप है, बहुत सारी सूचनाएं हैं, और उन सूचनाओं पर जैसे कमेंट आते हैं मेंबर्स के, उस हिसाब से वो पोस्ट ऊपर नीचे होती है कमेंट के हिसाब से। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबसे ऊपर वही पोस्ट हो जो सबसे बाद में आई है, सबसे लेटेस्ट है, वो ऊपर नीचे होता है, तो ये आपको देखना होगा। मेंबर्स का भी एक बटन दिया रहता है अनाउंसमेंट सेक्शन के बगल में। मेंबर्स का बटन इसलिए दिया रहता है कि ग्रुप के जो सदस्य हैं, अगर वो देखना चाहते हैं कि इस ग्रुप में और कौन कौन लोग मेंबर हैं, उस पर क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि हाँ मेरे अलावा इस ग्रुप में 61,000 लोग और भी मेंबर्स हैं। इसमें इतने लोग नए हैं, इतने लोग अभी जुड़े, इतने लोग पुराने हैं, ये सारी सूचना उसमें मिल जाती है। मेंबर्स के नाम पे क्लिक करके आप उनकी प्रोफाइल खोल के देख सकते हैं कि हाँ वो कहाँ से संबंधित है, विद्यार्थी है या टीचर है, उसका फोटो लगा है तो फोटो से आप पहचान सकते हैं। ये भी सुविधा इसमें दी रहती है। मेंबर्स बटन के ठीक बगल में इवेंट का बटन दिया रहता है। आपने अपने विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना लिया, आप उसके एडमिन हैं, और आपने किसी एक स्टूडेंट को कोऑर्डिनेटर जो आप मानते हैं उसको भी आपने मॉडरेटर का राइट दे दिया। मॉडरेटर के पास एडमिन से कुछ कम राइट्स होते हैं और ग्रुप को मैनेज करने में, ग्रुप की इंफॉर्मेशन को साझा करने में। तो आप देखेंगे कि इवेंट्स को प्लान कर लीजिए, आप ग्रुप पे क्रिएट कर दीजिए, विद्यार्थियों के सामने वो रिमाइंडर के तौर पे आएगा कि ये क्विज इतने बजे होगी, इस क्विज के ये नियम हैं, आपको उपस्थित होना है और ये क्विज ओपन होगी 30 मिनट के लिए और आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो ये इवेंट के अंतर्गत जो भी आपकी इवेंट है, हमारे बीएड करिकुलम में बहुत सारी इवेंट्स हैं जहां स्कोप है कि हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, इस ग्रुप में आसानी से हो सकता है। इवेंट को क्रिएट करें, विद्यार्थियों को इनवाइट करें, विद्यार्थी उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके ठीक बगल में मीडिया ऑप्शन, मीडिया बटन दिया रहता है। मीडिया बटन का सीधा मतलब यह है कि इस ग्रुप से आप जुड़ गए, ग्रुप में क्या क्या सामग्री उपलब्ध है। मीडिया पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तीन ऑप्शन खुलेंगे, फोटो, वीडियो, एल्बम। फोटोज पे क्लिक करेंगे तो उस ग्रुप में उपलब्ध जितने भी फोटोज हैं वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। आप लेटेस्ट फोटो देखेंगे ऊपर होगी और पुरानी फोटो नीचे होगी। आसानी से उसमें से आप खोज सकते हैं कि हाँ इसमें कौन सी फोटो अभी सर ने भेजी है एज ए स्टूडेंट, या आप टीचर हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या भेज चुका हूं विद्यार्थियों के लिए। ठीक बगल में वीडियोज का ऑप्शन है, जितने भी वीडियो उस पर शेयर किए गए हैं, चाहे वो अपलोड किए गए हों चाहे वो लाइव वीडियो हो, आप देखेंगे कि उसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे। और वहां पर आप देखेंगे कि वो भी एक टाइमलाइन के क्रम में आपको उपलब्ध मिलेंगे। इससे आपको ग्रुप के अंदर जो मीडिया है उसको खोजने में आसानी होती है, एडमिन को, जो टीचर्स हैं उनको, साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं उनको भी। मीडिया बटन के बगल में फाइल्स नाम से एक बटन और दिया रहता है। फाइल्स का जो बटन है ये विशेष है, फेसबुक ने ये सुविधा दी है। आपने देखा होगा कि आपके फेसबुक अकाउंट पर आपको कोई पीडीएफ फाइल अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं कर पाते आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल अपलोड नहीं कर पाते। लेकिन यहां पर आपके पास ये सुविधा फेसबुक के द्वारा दी गई है, अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षक प्रशिक्षक हैं, अपने विद्यार्थियों के साथ अपने नोट्स साझा करना चाहते हैं, कोई आपके पास ऐसी पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी है, ई बुक है जिसका लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स के अंतर्गत आता है, और या कोई पीपीटी फाइल आपने बनाई है, या कोई आपके पास ऐसी टेबल है या कोई चार्ट है जो फाइल के रूप में है,
पीडीएफ फाइल के रूप में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के रूप में है, आप इसमें अपलोड कर दीजिए और कैप्शन के साथ कि ये फाइल इस चीज से संबंधित है, विद्यार्थी इसको पढ़ें। तो वो फाइल्स बटन के अंतर्गत आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, और बाद में अगर खोजना है तो उसी फाइल्स बटन के अंतर्गत आप खोजेंगे तो एक क्रम में आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। इस ग्रुप में भी कुछ फाइल्स हैं, आप देखेंगे जो बहुत पहले वैकेंसी आई थी उनकी फाइल्स पड़ी होंगी, आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ग्रुप आपका प्राइवेट है या ग्रुप आपका पब्लिक है, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। नेचर ऑफ द ग्रुप आपने क्या बनाया है, जैसे आपकी एक ऑफलाइन क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास में आपका एक कमरे में बच्चे होते हैं, टीचर होता है और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, और ये टीचर का बच्चों के साथ एक क्लासरूम में इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, जो भी आप कहना चाहें वो होता है। ऐसे ही अगर आप बनाना चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप उसको प्राइवेट ग्रुप बना लीजिए एक टीचर होने के नाते, और प्राइवेट ग्रुप जैसे ही बनाते हैं और आप उन्हीं विद्यार्थियों को जोड़िए जिनको आप पढ़ाते हैं ऑफलाइन कक्षा में। आप अपनी कक्षा बना लीजिए अपने सब्जेक्ट की, ग्रुप का टाइटल उसी हिसाब से दे दीजिए, विद्यार्थी उसमें जुड़ जाएंगे। हाँ, विद्यार्थियों से अगर आपको कोई सूचना कलेक्ट करनी है कि हाँ मैं कैसे इसको चलाऊं, क्या करूं, तो जो हमारा फेसबुक ग्रुप बन गया उस ग्रुप में हम सीधे पोस्ट डाल के बच्चों से सजेशंस ले सकते हैं, बच्चों की क्वेरीज को ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बच्चे लिख सकते हैं, या फिर हम गूगल फॉर्म की जो सुविधा हमको प्राप्त है, गूगल फॉर्म के माध्यम से हम बच्चों को ये विकल्प देते हैं कि वो क्वेश्चंस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दें, और उनकी सूचनाएं गूगल पे हमको आसानी से मिल जाती हैं। फेसबुक ग्रुप में जो एक सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है लाइव होने का, टीचर्स अपना लाइव सेशन शेड्यूल कर सकते हैं, विद्यार्थी उस टाइम पे जुड़ जाएंगे, और चूंकि ग्रुप प्राइवेट है, आप टीचर हैं, विद्यार्थी जुड़ गए, लाइव सेशन के माध्यम से आप टीचिंग कर सकते हैं। लाइव के सेशन के दौरान आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं, ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर ओबीएस, ये आपको सुविधा देता है। फेसबुक सीधे आपको सुविधा देता है स्क्रीन शेयर की, ओबीएस में ये विशेष सुविधा है कि स्क्रीन के साथ साथ आपका चेहरा भी आएगा, और फेसबुक ने जो गूगल क्रोम में एक्सटेंशन के तौर पर सुविधा दी हुई है उसमें आपकी जो कंप्यूटर की या लैपटॉप की या मोबाइल की जो स्क्रीन है वो सीधे शेयर हो जाएगी, ये सुविधा दी हुई रहती है। तो लाइव सेशन के माध्यम से आप क्लासेस ले सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आता है कि जो क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है फेस टू फेस, वैसा मजा नहीं आएगा। निश्चित रूप से वैसा मजा नहीं आएगा, फेस टू फेस का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप अपने विद्यार्थियों से जुड़ सकते हैं, जैसे हम जुड़ रहे हैं ऑनलाइन सेशंस में। अब चूंकि ये लाइव सेशन ऐसा है जो पब्लिक डोमेन में ओपन है, इससे जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक कमेंट्स आते हैं, उन सारे कमेंट्स को, सारे क्वेश्चंस को, सारे क्वेरीज को डील करना थोड़ा टफ है हम लोगों के लिए। लेकिन जब आपका ग्रुप छोटा होगा, 50 या 100 की कक्षा होगी, आप लाइव सेशन ले रहे होंगे, तो आप आसानी से विद्यार्थियों के कमेंट बॉक्स में पढ़ करके उनकी क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं। हमने ये भी देखा है अपने लाइव सेशंस के दौरान कि टीचर कमेंट बॉक्स से क्वेश्चंस को टेकअप करता है और उनके सॉल्यूशंस बताता है, साथ ही साथ जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कमेंट बॉक्स में एक दूसरे के क्वेश्चंस का भी जवाब देते हैं, मतलब पीयर इंटरेक्शन भी मैंने देखा है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स की या किसी भी लर्नर की हेल्प कर रहे होते हैं लेक्चर के दौरान। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्पीकर उस समय नहीं टेकअप कर पा रहा है, तो हमारे जो ऑडियंस में से लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करते हैं, ये भी हमने देखा है। ये बहुत ही पॉजिटिव आस्पेक्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग का, कोऑपरेटिव लर्निंग का, कि हमको जो पता है वो हम उसमें साझा कर रहे हैं। लाइव सेशन खत्म होने के बाद भी जिस जो स्पीकर है उसके पास विकल्प रहता है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट को देख करके विद्यार्थियों की क्वेरीज को हैंडल करे, रिटन फॉर्म में या एक और फॉलोअप सेशन के माध्यम से,
या उससे संबंधित कोई पीडीएफ भी शेयर कर सकता है। ये सारे विकल्प आपको फेसबुक ग्रुप में आपको मिलते हैं। एक और चुनौती हमारे विद्यार्थी जो फेस करते हैं कि फेसबुक अकाउंट पे जो आपके नोटिफिकेशंस आते हैं वो बहुत सारे आते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, आपने एक बार मोबाइल रखा अपना स्मार्टफोन, दूसरी बार जैसे ही फोन आपने उठाया, डेटा ऑन किया, नोटिफिकेशंस की भरमार लग जाती है। इतने सारे ऐप आपके मोबाइल में हैं, हर ऐप के नोटिफिकेशंस की सूचना आने लगती है कि इसमें 50, इसमें 100। ऐसे ही फेसबुक पर भी नोटिफिकेशंस की भरमार लग जाती है और आप देखेंगे कि आपको समझ में नहीं आता किसको पहले देखें। तो ये संकट है, हम सबके सामने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, कैसे करें। तो नई स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, हम सब लोग सीख रहे हैं। आईसीटी से जुड़ी जो स्किल्स हैं हम सब लोग उसको सीख रहे हैं, सीखना पड़ेगा भी। बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते थे, हमने इसी दौरान सीखी। उसी नोटिफिकेशंस में आपके पास सूचना कैसे जाए ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये फेसबुक ग्रुप आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट है या कोई और भी ग्रुप, तो इसका आप एक मिनिएचर अपने होम स्क्रीन पे ले सकते हैं, ये ग्रुप में सुविधा रहती है। या एक इसकी इस ग्रुप पे जाने की लिंक को कॉपी करके किसी अपने फ्रेंड के व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए जो पढ़ा रहे, जब भी आपको जाना हो उस व्हाट्सएप पे गए, उस लिंक पे गए, आप ग्रुप पे सीधे आ गए। ये भी एक आसान तरीका है किसी भी ग्रुप पर या फेसबुक पेज पर जाने का। यह बहुत बड़ी समस्या होती है। मैंने देखा है कि आजकल एक नया प्रचलन है कि लिंक साझा कीजिए, वेब लिंक साझा कीजिए। वेब लिंक का मतलब है कोई पोस्ट है उसकी वेब लिंक, यूट्यूब पर वीडियो की वेब लिंक, फेसबुक ग्रुप की वेब लिंक, फेसबुक पेज की लिंक। लिंक के माध्यम से लोग आसानी से वहां पहुंच जाते हैं, खोजना बहुत कठिन है क्योंकि सूचनाओं का जंजाल है, बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इस वजह से। तो ऑप्शन बहुत आसान है, जो पोस्ट आपकी होती है ग्रुप की या पेज की, उसके राइट साइड में तीन डॉट्स में आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे जाने पे आपको कॉपी लिंक करने का ऑप्शन आता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, कर्सर रख के लिंक आपके कर्सर में कॉपी हो जाएगी और उसको जहां मन करे वहां ले जाकर के पेस्ट कर दीजिए, किसी के व्हाट्सएप में जाकर के या किसी ग्रुप में, किसी जगह जहां आपको ऑप्शन मिलता है। तो एक आसान तरीका है लोगों को अपनी सामग्री तक पहुंच जोड़ने का। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, एक और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप, जिसका उपयोग आप सभी कर रहे हैं। व्हाट्सएप का उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा है और हमारा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है टीचर एजुकेटर्स नाम से, और इस व्हाट्सएप ग्रुप ने इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद की है। वो हमारा इन हाउस रिसोर्स ऑफ एक्सपर्टाइज है, वहाँ पर बहुत सारे लोग, ये ग्रुप भी मैंने आज से कुछ साल पहले बनाया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने उन सब लोगों को जोड़ा जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जो मेरे साथ पढ़े, जो मेरे बाद पढ़े शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और भी जो मेरे मित्र हैं, और जो भी लोग मुझे कहीं किसी सेमिनार में, किसी इंटरव्यू में, किसी भी मीटिंग में मिले और शिक्षक शिक्षा से जुड़े हुए, उन सबको मैं जोड़ता गया उस व्हाट्सएप ग्रुप में। अब जाकर के वो 257 की संख्या हो गई और देश भर से उसमें अच्छे विशेषज्ञों का एक समूह बन गया। और हमने जब ये सोचा और रिक्वेस्ट की तो बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में कंट्रीब्यूट करने का संकल्प लिया और कंट्रीब्यूट किया भी, और अभी कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने विद्यार्थियों का, अपने सहपाठियों का, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना सकते हैं। उसमें एडमिन होने के नाते आप उसकी सेटिंग्स को अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप सभी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं, जब आपको कोई किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता है देख के आपको घबराहट होने लगती है कि अरे कहां जोड़ लिया गया,
विनीता रमेश जी लिख रही हैं, आई आल्सो वांट टू कनेक्ट इन योर ग्रुप। मैंने पहले बताया है कि व्हाट्सएप पे केवल 257 लोगों की को जोड़ने की सुविधा है और वो ग्रुप फुल हो गया है। तो इस समस्या को हल करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी हमको इस ग्रुप के माध्यम से कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, तो फिर हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया टीचर एजुकेटर्स का, ऑफिशियल ग्रुप बनाया। तो वो ग्रुप काफ़ी बड़ा है और उस ग्रुप में लगभग 1600 से अधिक टीचर एजुकेटर्स, टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स ऑफ बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड, बीएलएड, बहुत सारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स उसमें जुड़ गए हैं, टीचर एजुकेटर्स भी जुड़े हुए हैं और उसमें काफ़ी अधिक संख्या है, 20,000 तक लोग जुड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे इस फेसबुक ग्रुप के अनाउंसमेंट में उसकी लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाएंगे, वहाँ पर भी सारी जरूरी सूचनाएं मैं साझा करता हूँ जिससे कि आप आसानी से पहुँच सकें। अब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इरिटेशन होता है कि मुझे इस ग्रुप में क्यों जोड़ लिया गया, पता नहीं कौन लोग हैं इसमें, फिर वही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नाइस कोट, ये थॉट। बहुत ग्रुप को चलाना बहुत कठिन है आज के समय में, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि उसके पास जो मैसेज आया है, उसके पास जो पोस्ट आई है वो यूनिक है, बहुत रोचक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत डाला जाए, सारे दोस्तों को भेजा जाए, सारे समूहों को भेजा जाए। और ये नेटवर्क ऐसा है कि इस चक्कर में एक ही ग्रुप पे कई लोग एक ही सूचना भेज देते हैं, जो कि वो प्रीवियस पोस्ट देखते ही नहीं कि इसमें किसने शेयर किया है। तो होता क्या है कि लोगों को इरिटेशन होती है जो मेंबर्स हैं, और ग्रुप को फोकस्ड बनाना, बहुत बड़े ग्रुप में ये समस्या होती है। ग्रुप में तीन तरह के लोग बेसिकली होते हैं। सबसे पहले होते हैं क्रिएटर्स, जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, मैसेज क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं, फिर उसको और भी लोग शेयर करते हैं कहीं और। दूसरे टाइप के जो लोग ग्रुप में होते हैं उनको हम एक श्रेणी में डाल सकते हैं, शेयरर। वो क्रिएट नहीं करते सूचनाओं को, वो शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तीसरे लोग होते हैं जो ना क्रिएट करते हैं ना शेयर करते हैं, वो ग्रुप में रहकर केवल इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं साइलेंटली और कभी रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। कभी कभी लगता है कि वो ग्रुप में हैं या हैं भी नहीं, लेकिन वो मालूम चल जाता है। ग्रुप में ये ऑप्शन रहता है कि पोस्ट पर आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे और राइट टॉप पर जाके आप क्लिक करके देखेंगे, इन्फॉर्मेशन में मालूम चलता है कि इस पोस्ट को कितने लोगों ने रीड किया है, कितने लोगों को डिलीवर हुआ है। हरिश्चंद जी ने लिखा है कि शेयर द लिंक ऑफ टेलीग्राम ग्रुप। अभी मैंने ग्रुप के बारे में ही बताया है, ये सेशन खत्म होने के बाद आप इस ग्रुप में अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे, अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप आसानी से उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर कोई कठिनाई होती है तो आप पर्सनली मुझे मैसेंजर में आप मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको उस पर लिंक भेज दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जब आप जुड़ते हैं ये समस्याएं आती हैं, और क्रिएटर्स की संख्या बहुत कम है, मैसेज क्रिएट करने वाले, ई कंटेंट क्रिएट करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कंटेंट को क्रिएट करना ये क्रिएटिव वर्क है, इसमें अच्छी खासी एक्सरसाइज है। कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो, उसके माध्यम से शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव तभी हो सकता है, वो टीचर पर डिपेंड करता है। उसे कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कंटेंट डिजाइन करना पड़ेगा, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वीडियो फाइल हो, चाहे वो पीपीटी हो, वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा तभी उसको आप उपयोग में ला सकते हैं। ये हर जगह लागू है वही नियम, इफेक्टिवनेस ऑफ द कंटेंट, डिलीवरी ऑफ द कंटेंट। बना ही अच्छा नहीं है तो चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे आप प्रेजेंट करिए, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे आप उसके बारे में बात करिए, वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो अपने पर्पज को फुलफिल नहीं कर पाएगा। अगली बात आती है कि आपने मान लो यूट्यूब चैनल बनाया है,
हाँ, एक और समस्या का निदान करता है। आप टीचर हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारे ऐसे डेटा स्टोरेज हैं जहाँ पे आप अपने वीडियोस को रख सकते हैं, जहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी फाइल्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं और उसकी लिंक को साझा कर सकते हैं। उसका एक पॉपुलर जो ऑप्शन है गूगल ड्राइव का, 15 GB तक वो फ्री आपको स्पेस देता है अपने वीडियोस को स्टोर करने का उस पर, और लिंक को आप साझा कीजिए। लेकिन आप देखिए कि फेसबुक ग्रुप के माध्यम से आपको कितनी बढ़िया सुविधा दी हुई है। प्राइवेट ग्रुप बनाइए, अपने विद्यार्थियों को जोड़िए और उस पर लाइव सेशन कीजिए। वीडियो उस पर पड़ा रहेगा आपकी वॉल पे, ग्रुप के लोगों के लिए ही रहेगा। तो उसने रिकॉर्डिंग स्टूडियो का काम किया, वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, स्टोरेज का भी काम किया, वीडियो स्टोर होके उस पर पड़ा हुआ है और ग्रुप के लोग उसको जब चाहें तब देख सकते हैं और आप उसको आपस में उस पर चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। तो उसमें कितना कम खर्चा आया, बहुत कम खर्चे में, ना कहीं डाउनलोडिंग हुई ना कहीं अपलोडिंग हुई, उसने ऑटोमेटिकली, ये टेक्नोलॉजी है फेसबुक की, और उसकी लिंक भी आप अपने बच्चों के भी साझा कर सकते हैं जिससे कि उस वीडियो तक वो आसानी से पहुंच सकें। तो ये सुविधा आपको फेसबुक दे रहा है। आप कल्पना कीजिए कि अब तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 80 से अधिक व्याख्यान हो चुके हैं जो इस ग्रुप में पड़े हुए हैं, हमारे फेसबुक पेज पर उपलब्ध हैं, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट की कि हम फेसबुक पर नहीं हैं, फेसबुक यूज नहीं करते हैं, या हमको फेसबुक ग्रुप में या पेज पर खोजने में कठिनाई हो रही, वीडियो आप यूट्यूब पर इसको लाइए। हमने यूट्यूब पर भी अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाया और वहां पर भी अपने वीडियोस को दिया हुआ है, सारे वीडियोस एक साथ वहां पर भी उपलब्ध हैं। हालांकि उसमें काफी कठिनाई हुई। अभी हमारे पास आप में से कई विद्यार्थियों का ये भी रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप सर ये फेसबुक पर लाइव सेशन करते हैं, इसमें हमारा डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, मुझे बहुत आइडिया नहीं इस बारे में, मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप यूट्यूब पर सर लाइव सेशन कीजिए, उसमें डेटा कम यूज होगा। तो मुझे अभी एक्सप्लोर करना है क्या वाकई में ऐसा है, अगर होगा तो फिर हम क्यों आपका ज्यादा डेटा खर्च करें, हमारे YouTube पर भी जो ऑफिशियल हमारा अकाउंट है वहां पर हम हो जाएंगे, लिंक हम साझा कर देंगे, विद्यार्थी वहां भी जुड़ सकते हैं। YouTube पर डेटा स्टोरेज करने की सुविधा है, अपलोड कीजिए, उस पर डेटा पड़ा रहता है और आप आराम से उसकी लिंक अपने विद्यार्थियों को भी साझा करिए, जो आपका WhatsApp ग्रुप है उस पर साझा कीजिए। बीच बीच में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो निश्चित रूप से उसको हम अपनी चर्चा का हिस्सा बनाएंगे। आनंद मोहन ये बहुत ही एक्टिव सोशल मीडिया यूजर हैं एजुकेशन में, मैं इनकी गतिविधि को देखता हूँ, सल्यूट करता हूँ। इन्होंने लिखा है कि सर मैंने भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें भारत के लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी जन को मैंने उस समूह में जोड़ा है, कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक भी उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैंने इनका ग्रुप देखा है, एजुकेशनल प्लैनेट नेम से इनका ग्रुप है और इस ग्रुप में ये बहुत ही जरूरी सूचनाएं साझा करते हैं। अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके इस एफर्ट को कि आपने देश के जो शिक्षा शास्त्र विषय में शोधार्थी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है। टाइम आपका जाता होगा लेकिन ये जो एफर्ट है आपका, ये आपको दूसरों से अलग बनाता है कि आप ये चिंता करते हैं कि सारे प्रोफेशनल्स एक प्लेटफॉर्म पे आएं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाते समय या फेसबुक ग्रुप बनाते समय आपको ग्रुप के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि ग्रुप में क्या सामग्री शेयर की जाएगी, ग्रुप के नियम क्या हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बता रहा हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप को चलाने में मुझे बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी। होता क्या है कि अधिकांश ग्रुप्स में होता ये है कि हम टीचर एजुकेटर्स का हमने ग्रुप बनाया, हम टीचर एजुकेटर्स हैं, टीचर एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जाए, टीचर एजुकेटर्स कैसे विद्यार्थियों की मदद करें, एकेडमिक हेल्प करें, टीचर एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर बनाएं, इसकी चिंता हमें अधिक करनी है, बशर्ते हम करते क्या हैं, हम
दूसरे व्यवसायों के विशेष रूप से राजनीति में सुधार लाने की कोशिश करने लगते हैं, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को उसमें लाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए भी फोरम बना सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि उसकी चर्चा करने के मैं पक्ष में नहीं हूं, आप ऐसा ओपन फोरम अलग से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उस पर आप आमंत्रित करिए, चाहे जिस विचारधारा के शिक्षक हों, शिक्षक प्रशिक्षक हों, उस पर राजनीतिक चर्चा परिचर्चा ही हो, ये होना चाहिए। लेकिन जिसको आपने खास उद्देश्य से बनाया है, एकेडमिक पर्पस से बनाया है, और उसके उद्देश्य डिफरेंट हैं, तो उसको उस पर्पस से उपयोग में लाना ही मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी होना चाहिए। अधिकांश लोग बिना मैसेज को पढ़े फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो मैसेज को देखें एक बार। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इतनी सारी सूचनाएं आप तक आ रही हैं, इतना सारा कंटेंट आ रहा है, इतने वीडियो आ रहे हैं, उसमें से कौन सा रिलायबल है, कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा वैलिड है, कौन सा मीनिंगफुल है, उसको आप जांचिए, उसके बाद ही शेयर कीजिए। निश्चित रूप से मैं आपको हरिश्चंद्र जी लिंक शेयर करूंगा। अभी तो मैं लाइव सेशन में हूं, अभी करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लिंक शेयर कर सकते हैं, छोटे वीडियो शेयर किए जा सकते हैं, पीपीटी पीडीएफ फाइल आप शेयर कर सकते हैं फोटो खींच के। आप बहुत सारे गूगल मीट, जूम या और भी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप यूज कर रहे हैं, उनकी मीटिंग आईडी, मीटिंग पासवर्ड आप अपने विद्यार्थियों के लिए साझा कर सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप आपको मदद पहुंचाता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में चूंकि एक साथ सारे विद्यार्थी जुड़े रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मेरे मन में भी विचार आ रहा है। व्हाट्सएप ने अभी ये सुविधा नहीं दी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी भविष्य में ग्रुप के लोगों को लाइव होने का ऑप्शन देगा, ऐसा मेरा पूर्वानुमान है। ये डिमांड है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति लाइव आए और ग्रुप के मेंबर उस व्हाट्सएप में देख सकें। ये मैं विजुलाइज करता हूँ और ये मैं लिखना भी चाहता हूँ व्हाट्सएप को कि व्हाट्सएप पे भी सुविधा दीजिए, बहुत पॉपुलर ऐप है, हो सकता है वो लोग इस पे सोच भी रहे हों। तो हमने ये देखा, व्हाट इज एक्सिलिटी इन द लाइव सेशन। लाइव सेशन में आप डिपेंड करता है कितने लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है लाइव सेशन की क्वालिटी पर। ये वन वे भी हो सकता है, ये टू वे भी हो सकता है कम्युनिकेशन। और हमने पहले ही कहा कि जो फेस टू फेस में इंटरेक्शन का पैटर्न है, कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है, उसमें जो इमोशनल बॉन्डिंग है, उसमें जो आप देख पाते हैं, जो आपको फीडबैक मिलता है विद्यार्थियों को देख करके, आप इसमें मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि मैं अपने विद्यार्थियों की आवाज नहीं सुन सकता, उनके चेहरे नहीं देख सकता, उनके हाव भाव भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपका जो प्रोफाइल में एक फोटो लगा हुआ है वही मेरे सामने आ रहा है। मैं इस वैक्यूम में आपके सामने लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूं। हाँ, कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके फीडबैक आ रहे हैं, आपके विचार आ रहे हैं, उनके माध्यम से मैं उस लेक्चर को आगे बढ़ा सकता हूं, उसके हिसाब से कर सकता हूं। अश्विनी जायसवाल जी ने लिखा, सर मैनी स्टूडेंट्स वांट टू प्रिपेयर यूजीसी नेट एजुकेशन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हाँ, मुझे मालूम है बहुत से विद्यार्थियों ने ये रिक्वेस्ट की है कि सर यूजीसी नेट एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफॉर्म पर लेक्चर ऑर्गेनाइज कीजिए, पीडीएफ शेयर कीजिए, पीपीटी शेयर कीजिए। आपको मैं बता दूं कि मेरी चिंता रहती है कि हाँ, आपके लिए हमारे देश के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट हैं इस सब्जेक्ट के, वो इसमें आकर के अपना योगदान दें। मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, बेझिझक मैं फोन भी करता हूँ, उनको मैसेज भी करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूं, महामना मालवीय जी की शैक्षिक संतान होने के नाते मैं भीख मांगता हूं अपने विशेषज्ञों से, आप सबके लिए, कि आप सब हमारे टीचर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 1 घंटा समय निकाल करके इनके लिए आप व्यवस्था कीजिए। और इस कार्यक्रम में इसीलिए हमने औपचारिकताएं बहुत कम रखी हैं, हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रखा, हमने कोई
ये नहीं किया कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, सर्टिफिकेट देंगे, पैसा लेंगे, पैसा देंगे, ये कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। हमने कहा कि जो लोग इच्छुक हैं वो लोग आएं, इस पे बोलें, और जो लोग सुनना चाहते हैं वो लोग जुड़ें, तो निश्चित रूप से ये सोशल कॉज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए ये अभियान चला है। इसमें हमारे बहुत सारे गुरुजनों ने, बहुत सारे मित्रों ने, बहुत सारे अग्रजों ने, बहुत सारे अनुजों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, और ये पूरा सामूहिक कार्यक्रम है। बिना उन सबके सहयोग के ये इस रूप में नहीं आ पाता, आप देख भी रहे होंगे। हालांकि काफी समय मेरा इसमें जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मजा आ रहा है इसको काम करने में, क्योंकि आपका फीडबैक आता है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है, आप सब अब तक जो भी व्याख्यान हुए हैं उन सारे व्याख्यानों को एक बार देख लीजिए, उनके टॉपिक यूट्यूब पर जाकर के पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, और यह हमें बताइए कि किस टॉपिक पर, किस विषय में आपको कठिनाई हो रही है, और एक्सपर्ट भी आप सुझा सकते हैं कि ये इस सब्जेक्ट के ये एक्सपर्ट हैं, ये टीचर हैं हमारे, आप उनसे खुद भी बात कर सकते हैं। आप मुझे संपर्क सूत्र देंगे, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी आपके लिए उनसे बात करूंगा, तो निश्चित रूप से उसको अरेंज किया जा सकता है। अब तक हुए व्याख्यानों से काफी चीजें बदली हैं, और आप सब लोग वॉलंटियर कर सकते हैं इसमें, और मुझे ये मौका मिला तो मैंने इसको आप सबके बीच में इसको शुरू किया। स्वप्निल भट्ट जी लिख रहे हैं, आपको देखने और सुनने का अवसर मिला, भले ही यह डिजिटल माध्यम से हो रहा है, आपको इस ग्रुप के लिए बधाई। निश्चित रूप से ये बधाई और ये धन्यवाद हमारे उन सारे कंट्रीब्यूटर्स को मिलना चाहिए जिन्होंने इसके लिए समय निकाला, जिन्होंने इतना पेन लिया और लेक्चर तैयार करके आपके बीच में वो लोग आए। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कोई क्वेरी है, कोई आपके मन में प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की चर्चा में मेरा जो फोकस रहा, जो मैंने सीखा इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज की यात्रा में, उससे संबंधित कुछ अनुभव साझा किए हैं। विशेष रूप से फेसबुक की जो टूल्स हैं, फेसबुक की जो सुविधाएं हैं, उनको मैंने चर्चा का केंद्र बिंदु बनाया। हमने सीखा कि कैसे उपयोग किया जाए उनका, उनमें क्या अंतर है। फेसबुक पेज के बारे में बहुत बात नहीं की, पेज पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ग्रुप में आपने जब एडमिन के रूप में आप देखेंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो वो ये सुविधा देता है कि आप देख सकें कि आपकी पोस्ट पर, आपके वीडियो पर, आपके फोटो पर, आपकी फाइल पर कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने रिएक्शन दिया, कितने लोगों तक ये पहुंचा। फेसबुक पेज पर भी फेसबुक ने बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दी हैं, लाइव होने की, इंटरेक्शन की, बहुत सारे अच्छे अच्छे उसमें ऑप्शंस हैं। क्योंकि समय का अभाव है एक सेशन में, फेसबुक ग्रुप ही अपने आप में बहुत बड़ा टूल है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने का। इसी को आप अगर एक्सप्लोर करें एज ए टीचर, तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं उसमें, बहुत सारी एक्टिविटीज की जा सकती हैं अपने क्लासरूम की, ऐसा मैं मानता हूं। व्हाट्सएप का भी मैंने जिक्र किया कि व्हाट्सएप का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे व्हाट्सएप समूहों से जुड़ सकते हैं जहां बहुत अच्छी शेयरिंग हो रही है, जहां पॉजिटिव शेयरिंग हो रही है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम जिस समूह में हों, अनावश्यक मैसेज ना शेयर करें, अनावश्यक सामग्री शेयर ना करें, इससे दूसरे का समय, ऊर्जा, ध्यान भंग होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारे सामने आती हैं। आप सभी विद्यार्थी आज के इस चर्चा सत्र में इस फेसबुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े, और ये हमारा व्याख्यान हमारे फेसबुक पेज टीचर एजुकेशन इन इंडिया और हमारे फेसबुक ग्रुप टीचर एजुकेटर्स अंडर SS मीन्स टीचर एजुकेटर्स फॉर सोशल सर्विस पर ये स्ट्रीम हो रहा है, तो आपने इसको सुना है। सर, ये ग्रुप किस सब्जेक्ट का है? अंजलि कुमारी सिंह लिख रही हैं, ये सब्जेक्ट किस ग्रुप का है? आपको मैं संक्षेप में बता देता हूं, और आप ग्रुप में जो अभी मैंने जैसा कि पहले बताया, अबाउट में जब आप जाएंगी तो आपको ये आसानी से मालूम चल जाएगा। बेसिकली ये ग्रुप टीचर एजुकेटर्स
कम्युनिटी का ग्रुप है जिसमें ऐसे लोग हैं जो टीचर्स हैं, क्योंकि ये 9 साल पहले बना, उस समय वो सब स्टूडेंट थे, आज टीचर हैं या टीचर एजुकेटर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर्स हैं, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं। साथ ही साथ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स जितने भी चल रहे हैं हमारे देश में, आप पूरी लिस्ट देखेंगे एनसीटी की वेबसाइट से, जिसमें पॉपुलर प्रोग्राम हमारा बीएड 2 ईयर्स, पहले 1 ईयर किए वो लोग भी, वो डिग्री होल्डर्स, एमएड, एमए एजुकेशन, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीटीसी होल्डर्स, और भी ऐसे प्रोग्राम जो चल रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी हैं। मुख्य रूप से शिक्षा शास्त्र से जुड़े विषय की चर्चा इसमें होती है। यूजीसी नेट एजुकेशन के पाठ्यक्रम को भी हम लोग ध्यान में रखकर व्याख्यान आयोजित करते हैं, और इस तरीके से ये विशेष रूप से शिक्षा शास्त्र और इस शिक्षा शास्त्र के जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनसे जुड़े भी व्याख्यान हम करते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन डिसिप्लिन भी इंटरडिसिप्लिनरी है, बहुत सारे विषय हैं, जैसे दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है, उन सबके साझा प्रयास से ये समूह तो चर्चाएं होती हैं। और सारे व्याख्यान हमारे विद्यार्थियों ने जो हमको टॉपिक सजेस्ट किए, जो प्रकरण हमको बताए जिनमें वो कठिनाई महसूस कर रहे हैं, जिनमें वो चाहते हैं कि वो पाठ्यक्रम उनका अधूरा छूटा हुआ है, वो अपने घरों में हैं, पुस्तकालय तक उनकी पहुंच नहीं है, उनकी शिक्षा अधिगम सामग्री या कहें बुक्स नोट्स हॉस्टल में छूट गए हैं, या टीचर्स किसी कारण से उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, टीचर उनको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, देश के ऐसे सारे विद्यार्थियों को एक गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, उनका अधूरा पाठ्यक्रम पूरा करने के उद्देश्य से ये व्याख्यान श्रृंखला 26 अप्रैल 2020 से शुरू की गई और अभी निरंतर चल रही है, और इसमें अभी तक हमारे साथियों का, हमारे सदस्यों का, हमारे मित्रों का, सारे एक्सपर्ट का ये सहयोग रहा है कि एक भी दिन का इसमें ब्रेक नहीं हुआ है और निरंतर ये चल रही है। और मेरे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की है, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, समय की कमी है, मेरे बहुत प्रिय अग्रज हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे प्रिय अनुज हैं, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, जिन्होंने मुझे गाइड किया है। निश्चित रूप से कोरोना पीरियड ने मुझे एक्सप्लोर करने का मौका दिया कि इस फेसबुक ग्रुप में इतने सारे टूल्स हैं, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, और इस दौरान आपके इस ग्रुप में जिसका आप सदस्य हैं लगभग 16,000 नए विद्यार्थी देश भर से जुड़े हैं। ये एक उपलब्धि है हम सभी की एक समूह के तौर पर कि ये व्याख्यान जब हो रहे हैं जहाँ जैसे जिसको सुनने में आता है और वो जुड़ते हैं। तो आप सभी एक काम तो कर ही सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जो वीडियोस आते हैं या हमारे यूट्यूब पर जो वीडियोस पड़े हुए हैं उनको आप कम से कम ऐसे विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिनके पास अभी ये कंटेंट नहीं है। ये आप काम कर सकते हैं, हमारे अभियान में आप मदद कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारे व्याख्यानों की पहुंच हो। हमारे एक्सपर्ट के लिए कम से कम ये आप एक धन्यवाद के रूप में कार्य कर सकते हैं कि ये वीडियो उन तक पहुंचे। आप टीचर एजुकेशन इन इंडिया पेज पर जो वीडियोस आते हैं उनकी लिंक को आप या उनको उस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड लिस्ट में लोग होंगे उनके पास आसानी से पहुंचेगा। आपके द्वारा की गई एक्टिविटी आपकी फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग होंगे उन तक पहुंचती है, ये जान लीजिए। अब हो सकता है आपकी फ्रेंड लिस्ट में 1,000 लोग हों, 2,000 लोग हों, 200 लोग हों, 500 लोग हैं, तो ये आप एक निशुल्क बहुत कम श्रम में कम एनर्जी के साथ एफर्ट ले सकते हैं, जिससे कि ये हमारा अभियान, हमारा ये प्रयास, हमारी एकेडमिक हेल्प अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो जिसने कंट्रीब्यूट किया है हमारे एक्सपर्ट ने, विद्यार्थियों को की मदद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना लेक्चर इस पे दिया है,
अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचेगा। और आपका फीडबैक आया, फीडबैक जरूर लिखिए हर लेक्चर में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही लेक्चर में लिखिए, जो भी एक्सपर्ट आता है, आपसे कोई फीस नहीं ली गई है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया है, तो कम से कम आप उन एक्सपर्ट के लिए दो शब्द तो लिख सकते हैं जहां भी आपको मौका मिलता है। इतने सारे एक्सपर्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया है देश के अधिकांश राज्यों के जो टॉप टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने खुद आकर के, या कुछ लोगों से मैंने रिक्वेस्ट भी की आप लोगों के कहने पर, आप लोगों की सुझाव पर, तो वो लोग भी आए, उन्होंने आपको पढ़ाया है, आपको गाइड किया है, आपको मोटिवेट किया है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, अपनी तरफ से ये योगदान दे सकते हैं कि उनके वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के सामने वो पहुंचेगा, उनकी बात पहुंचेगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। आनंद मोहन जी लिख रहे हैं, मैं लगभग सभी पोस्ट को शेयर करता हूं ताकि मेरे दोस्तों तक पहुंच सके। बिल्कुल, मैं देखता हूं और मैं आपके प्रयास की सराहना पहले भी कर चुका हूं। और सुदर्शन जी भी लिख रहे हैं कि हमने लगभग अपने 100 विद्यार्थियों को लिंक भेजा है और निरंतर इससे लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, आप लोगों के, कुछ लोगों के प्रयास से ही तो ये समूह में 15,000 से अधिक विद्यार्थी और जुड़े हैं। लेकिन अपना देश बड़ा है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। मेरा प्रयास है कि जो लोग भी फेसबुक पर हैं, जो लोग भी वीडियो, जो भी वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब पर, या जो लोग भी व्हाट्सएप पर हैं, आप लिंक को कॉपी करके, लिंक तो कहीं भी शेयर कर सकते हैं कैप्शन के साथ, इससे आपकी सामग्री दूर तक पहुंच सकती है। तो हम आपसे एक ये रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे विशेषज्ञों द्वारा किए गए योगदान को आप दूर दूर तक विद्यार्थियों को पहुंचाने में आप मदद करेंगे तो ये हम सबको अच्छा लगेगा और ये हमारी सामग्री दूर तक पहुंचेगी। आप सभी जिन लोगों ने अभी तक कोई फेसबुक ग्रुप नहीं बनाया है, आप अपने एक विद्यार्थियों का, अपने मित्रों का एक फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं, जो भी आपका उद्देश्य हो, और उसमें आप ट्रायल के तौर पर उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं जो मैंने आज चर्चा की है। अगर कोई कठिनाई आती है तो आप साझा कीजिए, आप लिखिए, हम उसका निराकरण करेंगे। आप फेसबुक का, व्हाट्सएप का शिक्षा के लिए या शिक्षक शिक्षा के लिए बेहतर उपयोग कर सकते हैं, मैंने देखा है। हम क्यों अपना समय अनावश्यक कंटेंट को पढ़ने या देखने में बर्बाद करें? बहुत सारी सामग्री आती है फेसबुक या मनोरंजन जगत। देखिए हो क्या रहा है, आपकी प्रोफाइल को कैटेगरी में डाल करके फेसबुक ने उस हिसाब से आपके डेटा का यूज करता है और आपके सामने विज्ञापन देता है, और आप अगर उसमें उलझेंगे तो ये आपकी मूर्खता है। जो आपके इंटरेस्ट की चीज नहीं है उसको खोल के देने की जरूरत नहीं है। तो हम उसी कंटेंट को देखें, उसी कंटेंट को पर क्लिक करें जिस जो हमारे काम का है, तो वैसी ही सामग्री हमारे सामने आएगी। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप देखेंगे कि बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप फेसबुक का, व्हाट्सएप का, या और भी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, यूट्यूब है और ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उन सब की चर्चा करेंगे, तो आप यूज कर सकते हैं। और हमने कोशिश की है कि हमारे टीचर एजुकेटर्स की जो ये फेसबुक ग्रुप पर सबसे बड़ी कम्युनिटी है, इसका सारे सोशल मीडिया ऐप्स पर जो पॉपुलर हैं उन पर हमारी प्रेजेंस हो। हमने अकाउंट बनाया है, हम वहाँ पर सूचना साझा करते हैं। हमारा अकाउंट फेसबुक ग्रुप पर टीचर एजुकेटर्स _SS नाम से है, हमारा फेसबुक पेज टीचर एजुकेशन इन इंडिया के नाम से है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेटर्स _SS के नाम से है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टीचर एजुकेटर्स _SS के नाम से है, हमारा इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पर अकाउंट टीचर एजुकेटर्स के नाम से है, ट्विटर पर भी हमारा अकाउंट से टीचर एजुकेटर्स _SS के नाम से है। आप इन सारी जगहों पर अपने टीचर एजुकेटर्स की जो कम्युनिटी है वो है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी की एक्टिव प्रेजेंस की वजह से हमारा ये टीचर एजुकेटर्स का ऑनलाइन कम्युनिटी बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है। और ये इस समय देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइव क्लास है
जिसमें एक समय में एक विद्यार्थियों ने 3000 तक की संख्या में आकर लाइव क्लास अटेंड की है और सबसे लंबी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आयोजन हमारे एक्सपर्ट के सहयोग से आप सभी की एक्टिव प्रेजेंस की वजह से हो पाया है। तो निश्चित रूप से आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, चीज़ों को साझा करें। साझा करने में आपका कोई नुकसान नहीं है। और मैं इस प्रकार अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।